मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों. आज मैं अपने बालकनी से खड़े होके व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो बाहर का सुंदर नज़ारा था वो मुझे आपको ज़रूर दिखाना था. ये देखिए, बिल्कुल सब सफ़ेद हो रखा है, यहाँ स्नोफॉल हो रखी है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रखा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है. ये देखिए, सब कुछ सफ़ेद हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है बाहर. हेलो दोस्तों, तो अभी मैं नविष्णा को थोड़ा बाहर ले आई थी बर्फ़ दिखाने के लिए, तो वो देख के उसके लिए तो ये फर्स्ट टाइम ही है, बिकॉज पिछले साल हुआ था तब हम यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, तो इतना ठीक से मैं उसको दिखा नहीं पाई थी और वो एक साल की थी तब उसे समझ में भी नहीं आता था. अभी उसे ठीक से समझ में आने लगा है, तो वो दिखाने ले आई हूँ मैं उसको, तो बड़ी एक्साइटेड हो रही है. लेकिन अभी उसे नीचे नहीं ले जाऊंगी क्योंकि उसके और मेरे बालों में, दोनों के बालों में तेल लगा हुआ है, तो जब तेल लगे हुए बालों में ठंड ज़्यादा पकड़ती है, तो इसीलिए अभी नहीं ले जाऊंगी. लेकिन हाँ, एक बार वो नहा धो ले फिर उसको नीचे ले जाऊंगी मैं. तो मैं अभी चाय बना के यहीं बैठी हूँ. यहाँ से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इतना सुंदर लग रहा है बाहर देखने के लिए, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे अपनी कुर्सी पे बैठी हूँ और यहाँ पे चाय पी रही हूँ. और नविष्णा भी है, वो खेल रही है. देखिए उसने पूरे घर की हालत क्या कर रखी है, उसने सब कुछ फैला रखा है. सुबह सुबह उठते साथ वो पहले अपने खिलौने के पास जाती है और सारा पहले घर में सामान फैलाती है, उसके बाद पहले खेलती है, उसे खेलते खेलते ही मैं खिला देती हूँ. क्योंकि वो, मैंने उसे अपने हाथ से खाने के लिए अभी तक अलाउ नहीं किया है, बिकॉज वो बहुत गिराती है, बहुत फैलाती है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं उसको अपने हाथ से खिलाती हूँ, तो वो खेलते खेलते खा लेती है. बोलो हेलो दोस्तों, बोलो हेलो हेलो, बोलो बोलो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बाय, फिर मिलते हैं. बोलो फिर मिलती हूँ. बाय. हेलो, कैसे हो आप? हम अभी नीचे उतरे हैं थोड़ा नविष्णा को खिलाने के लिए, वो खेलेगी. देखिए पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ के, ठंड बहुत हो रखी है. मैं आपको नविष्णा को दिखाऊं, ये देखिए उसका पूरा ड्रेस है, ये इतना सुंदर लग रहा है. हेलो हेलो, चल आज पहली वॉक है नविष्णा की. वो थोड़ा डर भी रही है क्योंकि इसके पहले उसने आज तक बर्फ में वॉक नहीं करी है, तो अपने पापा की गोद में हम थोड़ा बस पीछे के साइड जा रहे हैं उसे थोड़ा खेलने जाने के लिए. स्नो
ये देखो ना, ये देखो कैसे होता है, ये देखो। डुम 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 डुम, ये देखो कैसे हिलता है वो। इसका हाथ पकड़ लो, इसको तो छोड़ो, कैटी को तो छोड़ो, इसका हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। ये देखो यहाँ हर एक ट्री, हर एक पेड़ क्रिसमस ट्री की तरह लग रहा है, क्योंकि उनके ऊपर हल्की हल्की बर्फ जमी हुई है, तो हर एक चीज ऐसा लग रहा है क्रिसमस के लिए रेडी हो गई है यहाँ पे। रंजित मम्मा पकलो ये वाला, अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि नविष्णा बहुत डर रही है। देखिए वो नविष्णा बहुत डर रही है इसमें वॉक करने में। आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे वॉक करो। दोस्तों तो मैं अभी आपको दिखाए यहाँ पे कितनी ठंड है, यहाँ -7 है वेदर। और अभी हम सामान लेने आए क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे सब कुछ बंद है, तो हमें सामान की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हम अभी स्टॉक इन कर रहे हैं सामान। हेलो गाइस, मैं आपको एक बार ये रात का भी दिखा देती हूँ। रात हो गई, यहाँ पे अंधेरा हो रखा है, यहाँ बहुत सुंदर लगता है जब अंधेरा हो जाता है। ये जो आपको पेड़ पे बर्फ दिख रही है वो रात के समय चमकने लगती है, बहुत ही सुंदर लगता है।
कर ली है नविष्णा के लिए, यहाँ पे मैंने धनिया की पत्ती काट ली है, यहाँ पे मैंने टमाटो और यहाँ पे मैंने जुकनी कट कर ली है, और यहाँ पे दाल है, ये दाल में मूंग दाल और तूर दाल है, और मैं इसको बटर के साथ बनाऊंगी क्योंकि बटर के साथ बनाने में इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। आज मैं घी, हल्का सा एक चम्मच घी ऊपर से डालूंगी और इसको मैं रोटी के साथ खिलाऊंगी नविष्णा को, चावल के साथ नहीं खिलाऊंगी क्योंकि कल उसने चावल खाया था और आज मैं उसको रोटी खिलाऊंगी। आपने आज मेरा वीडियो देखा, आज मैंने आपको दिखाया बाहर इतनी सुंदर बर्फ गिरी हुई थी और नविष्णा के लिए ये थोड़ा नया था, पिछले साल वो खेल नहीं पाई थी, इस साल वो थोड़ा डर रही है, लेकिन अभी आगे और बर्फ गिरेगी यहाँ पे तब वो शायद नॉर्मल हो जाएगी। और बर्फ तो बहुत सुंदर ही लगती है, आपने देखा होगा पेड़ों पे जब बर्फ गिरी थी तो ऐसा लग रहा था हर जगह क्रिसमस की तैयारी हो गई है। और खाने पीना, हमारा खाना भी हो गया है, अभी नविष्णा को मैं एक बुक पढ़ाऊंगी आधा एक घंटा, उसके बाद उसे सुला दूंगी और हम भी लगभग उसी टाइम सो जाएंगे। कल की वीडियो के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने कुछ किचन के बर्तन मंगाए हुए थे, मैं आपको वो कल के वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ के बर्तन की क्वालिटी और कैसी होती है। तो हम आज के वीडियो को यहीं अंत करते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिए मेरा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।